महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कोटा श्री कलराज मिश्र जी, कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद जोशी जी, सभी अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, सभी उपस्थित महानुभाव देवियों छात्रों छात्राओं एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कुलाधिपति और कुलपति जी का आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर आपके सामने कुछ अपने विचार रखने के लिए दिया। मैं बधाई देता हूं उन सभी छात्रों और छात्राओं को जिन्होंने आज अपनी उपाधि प्राप्त की और कई विषयों में अवार्ड और रिवार्ड लिए। मैं उनके माता पिताओं को और प्राध्यापकों को भी आज धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि ये इन सब विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अहम का दिन है जो हमेशा अस्मरणीय रहेगा। आज की जो मेरी कन्वोकेशन की एड्रेस है वो मैं समझता हूँ कि प्रिंट करके सर्कुलेट की गई है और वो सभी को प्राप्त हुई होगी या वेबसाइट पर विश्वविद्यालय की आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं कन्वोकेशन एड्रेस को ना पढ़ते हुए कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो कि आपको इस विषय का गर्व होना चाहिए कि आपने कृषि को अपनाया है। कृषि एक बहुत जो नोबल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन ने विश्व को बल्कि सभी दुनिया को जो आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों में दी है और घर घर की खुशहाली में इसका सहयोग कहा है और भविष्य में भी इसका योगदान आगे रहेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और अब हमें कृषकों को भी प्रधान बनाना है, जिसका नारा हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि किसानों की आयु को दुगना, आमदनी को दुगना किया जाए और हर किसान को बाजारों से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ कृषि में मैं जब से पैदा हुआ बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। बंगाल फेमीन जब मैं पैदा हुआ था तब आज विश्व में मानी हुई एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें 30 लाख के करीब लोगों की मौतें हुई थी, इसलिए नहीं कि बीमारी से पर भुखमरी से, और वो समय अंग्रेजों का उस समय था और उसमें जो नीतियां अपनाई गई उन नीतियों के कारण ये भुखमरी जो ईस्टर्न इंडिया में बंगाल में और उसके आसपास के इलाकों में हुई और उसको हमने देखा है। उसके बाद में आज़ादी के बाद हमारे सभी जो नेता हुए हैं उन्होंने कृषि को पूरा जोर दिया है, पूरा ध्यान दिया है। पहले प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि सब कुछ हम एक तरफ रख सकते हैं पर कृषि को नहीं, एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। उसके बाद में जो है हमने ये भी देखा कि हमारी खाद्यान्नों में कमी थी, हम अपनी फूड सिक्योरिटी को नहीं संवार सके। आबादी की जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वो 4 गुना हो गई है और उस आबादी को देखते हुए 10 मिलियन टन तक अनाज हम, एक समय था जब मैं अपनी पीएचडी पूसा विश्वविद्यालय में कर रहा था दिल्ली में, तब हरित क्रांति के बीज बोए गए और हम 10 मिलियन टन तक अनाज बाहर से मंगाते थे। और एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाके और खाद्यान्नों के लिए निवेदन किया तो उनको मना कर दिया गया और तब से ये संकल्प लिया गया कि हमें आत्मनिर्भर होना है। प्रधानमंत्री जी का अभी आह्वान है कि हम आत्मनिर्भर हों। मुझे खुशी की बात है कि जब हमने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस का किया था वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में मुझे मौजूद होने का मौका मिला और तब हमारे राष्ट्रपति जी आर के नारायणन ने कहा
अगर कोई तरक्की भारत में 50 सालों में हुई है तो एक तो हमारी खाद्यान्नों में सेल्फ सफिशिएंसी और दूसरी हमने अपनी आयु को दुगना किया है। जो 33 वर्ष होती थी वो 66 वर्ष उस टाइम हो गई थी। उसके बाद हमने हरित क्रांति देखी, हमने श्वेत क्रांति देखी, हमने नीली क्रांति देखी और अब हम उद्यान के क्षेत्र में एक रेनबो क्रांति देख रहे हैं। जहाँ जहाँ देखें वहाँ पे फलों का और फल सब्जियों का भंडार एकत्रित हो गया है। और महामारियाँ बहुत आईं, महामारियाँ से कोरोना कोलेरा की आई, स्मॉल पॉक्स की आई, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा की आई और अब कोविड-19 को हम झेल रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने उभर के आई है, एक तो कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधन का पूरा ध्यान रखना होगा और उनका दुरुपयोग बंद करना होगा, और दूसरा कि भारत अपनी फूड सिक्योरिटी को अगर 2-3 साल तक भी कहीं से हमें अनाज ना मंगाना पड़े तो हम उसमें सक्षम हैं, क्योंकि हमारे गल्ले में 50 मिलियन टन का अनाज है। हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं, हम आयात करते थे, अब हम 40 मिलियन यूएस डॉलर का निर्यात करते हैं और हम देश विदेशों में अब जो 20 कंट्रीज हैं, जो बेस्ट कंट्रीज हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उनकी श्रेणी में आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि अगले 10 वर्ष में जिस तरह से हमारी तरक्की हो रही है हम शायद 10 देशों के अंदर आ जाएंगे। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है जिसके लिए अभी आह्वान फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, मैं समझता हूँ कि कृषि से हमारा योगदान करीब 1 ट्रिलियन का जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चारों तरफ की तरक्की कर रहे हैं। हमने न सिर्फ तरक्की में पॉलिसीज़ का सपोर्ट दिया, पॉलिसीज़ का सपोर्ट पहले से भी रहा, जैसा मैंने कहा एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई, किसानों को अब हमें आगे लाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमें उनको बाजारों से जोड़ना है। कृषि की जो समस्याएं हैं वो द्वितीय हरित क्रांति की पीढ़ी की हैं जिनको हमें आगे देखना होगा। हमारे सामने गरीबी की रेखा अभी भी 20% तक है और उसको हमें और कम करना होगा। इसके अलावा हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, क्योंकि राजस्थान में और प्रांतों के कंपैरिजन में हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स में हम थोड़ा पीछे हैं, खास करके पानी में, मानसून में, और हमारी एवरेज करीब 500 मिलीमीटर की है। पर जिस एरिया से कोटा विश्वविद्यालय संबंधित है वो करीब 700 मिलीमीटर के एरिया में है और वहाँ पे पेरिनियल रिवर चंबल भी है और इलाका भी कुछ सिंचित ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय आगे बढ़कर और बहुत कुछ कार्य करेगा। इसने बहुत उन्नति की है, ये राजस्थान के पिछले 7 साल में जैसा जोशी जी ने बताया कि प्रथम विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर रैंकिंग में माना गया है। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ और कुछ आशा करता हूँ कि आगे ये और इसी तरह तरक्की करता रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियाँ हासिल करेगा। हमें शिक्षा की प्रणाली को फिर सुदृढ़ करना है। लैंड ग्रांट सिस्टम पर हमने जो हमारा एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च और एक्सटेंशन का सिस्टम 1960 में पंतनगर से शुरू किया था, आज 60 साल पुराना हो चुका है, उसे हमें फिर एक बार देख के और अपने प्रारूप के हिसाब से बदलना होगा और उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको हमें पूरा करना होगा। ऐसे अनुसंधानों की बहुत आवश्यकता है। हरित क्रांति जब हुई थी और जब बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला था, पहले कृषि के वैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और उनसे जब मैंने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति हुई उसके क्या कारण हैं, आप अफ्रीका में भी 15 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं हरित क्रांति हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिसी सपोर्ट इंडिया जैसा कहाँ से लाऊं। दूसरा,
मैं ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपके पास है वो कहाँ से लाऊं, तीसरा मैं ऐसा मानव संसाधन जो आप लोगों के पास है वो कहाँ से लाऊं, और चौथा इतने हार्ड वर्किंग फार्मर जो स्वयं मेहनत करके और अपना खुद का पसीना लगा के और पैसा लगा के आगे बढ़ने को तैयार है वो मैं अफ्रीका में कहाँ से लाऊं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो हम बहुत आगे आए हैं, पर हमारी आगे बहुत बहुत अभी भी मुश्किलें हैं। क्लाइमेट चेंज की बात है तो क्लाइमेट चेंज पे मैं समझता हूँ कि राजस्थान का भविष्य में विश्व में बहुत अहम स्थान रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो मरुस्थल में हमें हैं मिले हुए वो और कहीं दुनिया में रेगिस्तानों में नहीं है। मैं देख के ये आपको कह सकता हूँ इतने अच्छे पेड़, खेजड़ी जैसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं, इतनी अच्छी घास, सेवन जैसी घास कहीं नहीं, ऐसे अच्छे जो है दलहन मोठ जैसा कहीं मोठ और कहीं नहीं, जो सिर्फ रेगिस्तान में होता है। और इसके साथ साथ बाजरा पर हम इनके ऊपर ज़्यादा अनुसंधान करें, इनको और आगे बढ़ाएं, ये हमारी और जो यहाँ पे बीजों की जो खास करके दालों के जो बीज के मसाले हैं उनकी अंदर हम एक क्षमता रखते हैं, हमारी पहल है जीरा हुआ, मेथी हुई, धनिया हुआ और मिर्ची हुई, इन सब में हम आगे और बढ़ सकते हैं। किसानों को अब खेती में विभिन्नता लानी होगी, किसानों को अब आगे बढ़ कर के सेकेंडरी एग्रीकल्चर को अपनाना होगा, मिक्स फार्मिंग को फिर देखना होगा, हमें अपने पानी को बचाना होगा, माइक्रो इरीगेशन की तरफ जाना होगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करना होगा और डाइवर्सिफिकेशन में शुष्क इलाकों में बागबानी को लाना होगा। इन सब एरियाओं में कोटा विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान मैं समझता हूँ आगे रहेगा, परंतु वहाँ पे हमें चाहिए कि हम जो है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ बनाएं, और मैं निवेदन करूँगा कुलाधिपति जी से और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि इन सब विश्वविद्यालयों को तो हमने बनाया, ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में था तब मैंने भी यहाँ जब देखा कि राजस्थान में जो है तिलहन में हम सरसों में सबसे आगे हैं, पर इंस्टीट्यूट नहीं था तो हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया, और जब उद्यमों की बात आई तो हमने बीकानेर में एरिड हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट बनाया, और जब बीजों की मसालों की बात आई तो यहाँ पे अजमेर में एक नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस बनाया, बाजरे का सेंटर हम महाराष्ट्र से राजस्थान में लाए क्योंकि बाजरा सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। तो इन इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास है, पर इनको अब हमें सपोर्ट चाहिए, इनकी हमें जो है अलोकेशंस को डबल करना होगा, और इसके साथ साथ हमें नए तरीकों के लिए नई पॉलिसीज को लाना होगा जिससे कि हम किसानों को बाजार से जोड़ सकें। जो ये अभी नए कानून लाए गए हैं मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं, ये किसानों को बाजारों से जोड़ेंगे। अब तक हमने इनको मंडियों से बांध रखा था, क्यों नहीं कहीं भी हम बेच पाए और क्यों नहीं हमें अच्छी और प्राइस मिले और क्यों नहीं हम इनका वैल्यू एडिशन करें, क्यों नहीं हम ग्वार को सिर्फ स्प्लिट ही बाहर भेजें या पाउडर ही भेजें, क्यों नहीं उनका वैल्यू एडिशन करके हम उसकी आमदनी को और बढ़ा सकें। तो मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों के लिए हमारा आगे बहुत अधिक योगदान रहेगा, समय का अभाव है, मैं ज़्यादा और ना कहते हुए कुछ बातों पर ध्यान देना दिलाना चाहूँगा। एक तो जैसा हमने सारे भारतवर्ष में दिखाया है कि हमें पानी को बचाने के लिए जो फ्लड इरिगेशन है इसको डिस्करेज करना होगा, और माइक्रो इरिगेशन जो अशोक गहलोत जी 2013 में मैं भी यहाँ जब एग्रीकल्चर पॉलिसी को लाए थे इस बात पे हमने जोर दिया कि नर्मदा कैनाल से जो पानी आ रहा है उसमें फ्लड इरिगेशन को जो है बंद किया जाए और सिर्फ माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जाए। उसका आज पहली एग्जांपल है कि माइक्रो इरिगेशन से उस इलाके में नर्मदा कैनाल कमांड एरिया में हमारा एरिया दुगना हो गया है। हमें इसी तरह से राजस्थान कैनाल में भी फिर नए जो है सुधार लाने होंगे, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना होगा, हमें क्रॉप और लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस को बढ़ावा देना होगा,
और मिक्स फार्मिंग की तरफ जाना होगा। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी नस्लें हैं, अच्छी अच्छी फसलें हैं, अच्छी अच्छी किस्में हैं, अच्छे हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं, उन सबको सुदृढ़ और सक्षम करना होगा। इन सब कामों में युवा पीढ़ी को आगे लाने का योगदान बहुत आवश्यक है। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, हम इस बारे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सेकेंडरी के साथ साथ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर में जाना है। आपके यूनिवर्सिटी के जो राष्ट्रीय गान में मैंने देखा कि आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात दिखाई, आपने माइक्रो इरिगेशन की बात दिखाई, स्प्रिंकलर की बात दिखाई, आपने हॉर्टिकल्चर की बात दिखाई, आपने सोयाबीन में भारत जो है बहुत उन्नति कर चुका है और राजस्थान बहुत आगे जा सकता है और आप ही का इलाका ज़्यादा आगे बढ़ करके आएगा और हर मेड़ पर पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिसका आह्वान भी मोदी जी ने सारे भारत को दिया है। क्यों ना हम हर मेड़ पर जो है पेड़ लगाएं और क्यों ना हर किसान के यहाँ मेड़ बनाई जाए फार्मर पर और उनको मनरेगा से जो है लिंक किया जाए, ताकि जो भी किसान अपना कार्य खेत पे करें वो पानी को खेत का पानी खेत पर बचाने के लिए करेंगे। और राजस्थान फार्मर्स कमीशन को सुदृढ़ किया जाए, विश्वविद्यालयों की जो अलोकेशंस है उसको दुगनी की जाए और सौर ऊर्जा को बढ़ाने में राजस्थान का बहुत योगदान है, होगा और आगे रहेगा। और अगर क्लाइमेट चेंज में हमने पेरिस एग्रीमेंट को अटेंड करना है तो उसके लिए सौर ऊर्जा को आगे लाना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ फिर मैं एक बार आप सबका और खासकर कुलाधिपति जी का और कुलपति जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा और उन्हें अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आप सबके सामने मिल करके ये बात करने का मौका मिला। हमें युवा को आगे बढ़ाकर उन्हें सक्षम करना है, उन्हें व्यावसायिक बनाना है और उनको और आगे तरक्की के लिए किसानों को नॉलेज देने के लिए लाना है। इसके साथ साथ धन्यवाद।